हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास टेंथ का फिजिक्स हिंदी मीडियम, और हम क्लास टेंथ फिजिक्स में धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ रहे हैं। इसका आज सेकंड पार्ट। धारा का चुंबकीय प्रभाव के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया कि किस तरह से ऑस्टेड ने अपने प्रयोग के द्वारा बताया कि किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उसके आगे मैंने आपको बहुत से रूल्स बताया, परिनालिका बताया, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया। आज का हमारा जो क्लास है कम्प्लीटली दो इंस्ट्रूमेंट्स पर बेस्ड है, डायनेमो और मोटर, जनित्र और मोटर। इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम चलिए क्लास स्टार्ट करें और आज सबसे पहले पढ़ लें डायनेमो और मोटर। पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं विद्युत चुंबकीय। देखिए, ये जो मैं टॉपिक अभी आपको पढ़ाऊंगा ये मोटर को समझने के लिए, डायनेमो को समझने के लिए कॉन्सेप्ट है ये, और इसको कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को फैराडे ने बताया, और माइकल फैराडे ने बताया, इसको आप 12th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर मैं चूंकि यहाँ हम इसका ज़रूरत है इसलिए मैं इसको उस लेवल पर आपको 10th की स्टैंडर्ड पर पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअल में मैं ये बात अपने हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ कि आप जो 10th क्लास में फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो 12th में जाके बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए 10th बेसिक है, ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को फैराडे ने बताया। फैराडे ने प्रयोग किया कि सपोज हमारे पास कोई क्वाइल है, ये हमने एक क्वाइल लिया और इस क्वाइल में हमने एक धारामापी लगा दिया, और धारामापी लगाने के बाद फैराडे ने एक दंड चुंबक लिया और इस दंड चुंबक को तेजी से वह क्वाइल के तरफ लाया, क्वाइल और चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति कराया, दोनों के बीच में आपेक्षिक गति कराया, तो उन्होंने पाया कि यह जो धारामापी है गैल्वेनोमीटर, इसमें विक्षेप उत्पन्न होने लगता है, मतलब इसमें धारा बहने लगती है, इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। इस प्रकार से फैराडे ने जो बताया कि यदि इसको आपको 12th में डिटेल में पढ़ने में, बहुत डिटेल पर नहीं ले जा रहा हूँ, ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट इस क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हम इसके मैथमेटिकल में जाएंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपको इस क्लास में बस इतना पढ़ना है कि जब कभी चुंबक और कुंडली के बीच में, ये चुंबक है और ये कुंडली है, चुंबक और कुंडली के बीच में जब भी आपेक्षिक गति होगी, मतलब दोनों के बीच में गति होगी, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसका कारण है फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन। एक्चुअल में यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था। तो जब तेजी से हम चुंबक को पास में लाते हैं तो फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन, और फ्लक्स क्या होते हैं? जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो पृष्ठ पर लंबवत होते हैं, चुंबकीय बल रेखा आपने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा है, ऐसी चुंबकीय बल रेखाएं जो अपने पृष्ठ पर लंबवत हों, उन लंबवत चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। और फैराडे ने बताया कि फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन, जैसे हम तेजी से चुंबक को पास लाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेंगे और दूर ले जाएंगे तो फ्लक्स घटेंगे, तो जैसे ही फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है जिसके कारण क्या होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये जो उत्पन्न होता है, ये कम से कम आपको पूरी टर्मिनोलॉजी को जानना है, ठीक है? प्रेरित
विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में हम बोलते हैं EMF, विद्युत वाहक बल। इस प्रकार से यहाँ पर जो धारा उत्पन्न होता है उसको प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। यह है विद्युत चुंबक की प्रेरण। विद्युत चुंबक की प्रेरण मतलब विद्युत और चुंबक का आपस में प्रेरित होकर धारा उत्पन्न करना विद्युत चुंबक की प्रेरण कहलाता है। अब देखिए इस टॉपिक को पढ़ने का यहाँ मतलब है कि चुंबक और कुंडली के बीच में जो अपेक्षित गति होती है इस बात को लेकर फिर बनाया गया डायनेमो। ठीक है, डायनेमो मतलब जनरेटर। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक हम जो इस मेन टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है डायनेमो। हिंदी में बोला जाता है जनित्र, हिंदी में जनित्र कहते हैं। क्लियर। जनरेटर, जनरेटर और डायनेमो, एक्चुअल में इसका साइंटिफिक नेम डायनेमो है लेकिन हम कॉमन बोलचाल की भाषा में, हम कमर्शियल लैंग्वेज में जनरेटर कह देते हैं। जनरेटर बोलने से आपको बहुत जल्दी समझ में आता है, और हिंदी में जनित्र कहते हैं। हिंदी नाम तो और बहुत कठिन है इसका। ठीक है, तो जनित्र क्या हुआ, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि जनित्र किसे कहा जाता है, जनित्र क्या है। तो इसकी परिभाषा में आप लिखोगे जनित्र एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ये बात आप कभी नहीं भूलना, ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यह डिवाइस है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को हम क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। माने ऐसा उपकरण जिसको हम यांत्रिक ऊर्जा देते हैं और वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, इस प्रकार के उपकरण को हम क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। क्लियर। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जो उपकरण है वो जनित्र कहलाता है। इसके बाद हम इसके देखें प्रकार। क्लियर, इसके प्रकार तो इसके दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है जिसको हम बोलते हैं एसी, एसी डायनेमो, माने प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न। एसी मतलब प्रत्यावर्ती, अल्टरनेटिंग करंट इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं और हिंदी बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाला जो डायनेमो है वो एसी डायनेमो कहलाता है। और दूसरा है डीसी, डीसी डायनेमो मतलब दिष्ट धारा। दिष्ट धारा इंग्लिश में बोला जाता है डायरेक्ट करंट। इस प्रकार से एसी डायनेमो और डीसी डायनेमो दो प्रकार के डायनेमो होते हैं। जो डायनेमो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है वो प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो है, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट इंग्लिश में। और जो डायनेमो दिष्ट धारा उत्पन्न करता है उसे हम डीसी डायनेमो कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा क्या है ये भी आगे डिटेल पढ़ोगे, अभी आपको मैं बता दूं कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि मान लो हम इस पर ग्राफ ड्रा करें तो प्रत्यावर्ती धारा की विशेषता क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा इस प्रकार से पॉजिटिव निगेटिव होता है, एक हाफ में पॉजिटिव होता है दूसरे हाफ में क्या होता है वो निगेटिव होता है। अल्टरनेटिंग का मतलब होता है यदि धारा अल्टरनेट प्लस माइनस हो तो वो प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। जो हम घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं डोमेस्टिक यूज़ के लिए, घर में जो हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे हमारे टीवी फ्रिज कूलर सब एसी चलते हैं वो प्रत्यावर्ती धारा है। और दिष्ट धारा क्या है, दिष्ट धारा की विशेषता क्या है कि यह सिर्फ पॉजिटिव होता है या सिर्फ निगेटिव होता है, मतलब यह ओनली पॉजिटिव या तो होगा ओनली निगेटिव। मतलब जो अल्टरनेट अपने नेचर को नहीं बदलता, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही रहता है परमानेंट और निगेटिव हो तो परमानेंट निगेटिव ही रहता है। इस प्रकार के करेंट को हम क्या कहते हैं, दिष्ट धारा। क्योंकि दोनों आप करेंट को नहीं समझोगे तब तक आपको उसका
प्रकार समझ में नहीं आएगा। क्लियर। तो ये है एसी डायनेमो और ये क्या है डीसी डायनेमो। जो बैटरी का करंट है, जो मोबाइल से हम मोबाइल यूज़ करते हैं या किसी प्रकार का बैटरी लगा के अपन घर में यूज़ करते हैं, जैसे घड़ी चलता है हमारा, बच्चों के खिलौने चलते हैं, जो बैटरी आप सेल यूज़ करते हो वो क्या है डीसी करंट है। क्लियर। तो ये प्रत्यावर्ती धारा और दिस धारा दो प्रकार के धारा होते हैं, इसलिए दो तरह का डायनेमो भी होता है, दो तरह के डायनेमो हम पढ़ते हैं। अब वन बाय वन हम दोनों डायनेमो को पढ़ते जाते हैं। तो चलिए नए पेज से अपन शुरुआत करें। सबसे पहले पढ़ लेते हैं अपन एसी डायनेमो। पहले पढ़ते हैं एसी डायनेमो, मतलब प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाला डायनेमो। तो इसके लिए मैं एक फिगर यहां पर डायग्राम ड्रा कर रहा हूं और इसी डायग्राम के बेस पर हमको उसको समझना है। ठीक है, तो सिद्धांत इसका क्या है, सबसे पहले मैं इसका सिद्धांत बता दूं आपको। तो एसी डायनेमो का जो काम करने का सिद्धांत है वह है फैराडे का नियम। मतलब जो अभी मैंने बताया, फैराडे का नियम मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जब कभी चुंबक तथा कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति होगी, जब कभी कुंडली तथा चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति होगी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये इसका सिद्धांत है, इसी सिद्धांत पर यह कार्य करता है। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं इसके चित्र के आधार पर इसकी कार्यविधि को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका फिगर ड्रा कर दूँ। ये मैं चित्र बना रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। पहले मैं फिगर ड्रा कर दूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा कौन क्या है वहाँ पर। देखो यहाँ पर ये चुंबक का ऐसा अवतल कटा हुआ, चुंबक का दो ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एक पुली लगा होता है जिसकी सहायता से हम इसको घुमाते हैं, और ये है आर्मेचर। आर्मेचर है, आर्मेचर मतलब होता है जिसको नर्म लोहे पर कापर के तार को लपेट के बनाया जाता है। नीचे आप देख रहे हो तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये एक आर्मेचर है, दो तार निकले हुए हैं और इसमें नीचे आने के बाद ये जो एक तार है यह एक इस प्रकार से वृत्ताकार रिंग से जुड़ा हुआ है। ये जो मैं येलो कलर का बनाया, इस तार से ये जुड़ा हुआ है। इसके बाद जो दूसरा तार देख रहे हैं रेड कलर का, वो नीचे आया है उसको पार करके, और नीचे आने के बाद वह फिर इस तरह से एक वृत्ताकार तार के साथ में, दूसरे तार के साथ में जुड़ा हुआ है। ये दूसरा वायर है, इसके साथ में जुड़ा हुआ है। क्लियर। चित्र को ध्यान से समझना, सब कुछ चित्र पर ही बेस्ड है। क्लियर यहां तक। अब यहां पर ये जो आप देख रहे हो चित्र में, यहां से हम दो कनेक्शन लेते हैं। एक कनेक्शन हमने यहां से ब्रूस लगा होता है, ब्रूस भी मैं बता दूं, थोड़ा अलग कलर यूज़ करके ब्रूस को ही मैं बता देता हूँ। ये ब्लू कलर से जो बना हुआ है इसको हम कहते हैं ब्रूस। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा उसके वर्किंग वगैरह क्या है। और फिर हम यहाँ से ले लेते हैं ये कनेक्शन, ये, और यहाँ से कनेक्शन ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पर यहाँ जगह थोड़ा शार्ट हो गया मेरा, ध्यान देना। ये है रजिस्टेंस, ये जो आर बना हुआ है रेजिस्टेंस है, यहाँ से हम करंट रिसीव करते हैं आर। ठीक है, थोड़ा सा जगह यहाँ पर छोटा हो गया, समझ में आ जाएगा। अब कौन कौन सा चीज़ क्या है, देखो ये आर्मेचर है, ये पुली है जिसे हम इसको घुमाते हैं। ये जो आप देख रहे हो, जो मैंने ब्लू कलर से यहाँ पर बनाया हुआ है,
ये कार्बन का बना हुआ ब्रूस होता है B1, और यहाँ पर भी एक ब्रूस B2। ये रिंग जो आप देख रहे हो येलो कलर से बना हुआ, ये रिंग है S1, स्लाइप रिंग बोलते हैं, वलय वृत्ति वलय है S1 और S2। इस तरह से होता है, ये हमारा AC डायनेमो का स्ट्रक्चर है, फिगर है। अब ये काम कैसे करता है, देखो इसके वर्किंग को ध्यान से समझना। यहाँ पर देखो ये आर्मेचर है A B C D। जैसे हम इस आर्मेचर को घुमाते हैं, जैसे हम इसका जो रोटेशनल एक्सिस है, ये इसका रोटेशनल एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट जैसे हम इसको घुमाना शुरू करते हैं, तो ये मैग्नेट के पोल है नॉर्थ और साउथ पोल, और ये है कुंडली। तो ये कुंडली और चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति शुरू हो जाती है, आपेक्षिक गति शुरू होने के कारण इसमें धारा उत्पन्न हो जाता है, ये धारा उत्पन्न होता है, और ये धारा देखो नीचे आके यहाँ से धारा प्रवाहित होने लगती है, ये धारा प्रवाहित होकर हमको यहाँ से आउटपुट मिलता है, और इस प्रकार से हमको यहाँ पर धारा मिल जाता है, ये पॉजिटिव करंट मिल जाता है। लेकिन जैसे ही आर्मेचर एक बार घूमता है, तो एक बार घूमने के बाद ये वाला सिरा यहाँ आ जाता है, ये वाला सिरा यहाँ आ जाता है, तो इसके पोजिशन चेंज हो जाते हैं। पोजीशन चेंज होने के बाद इसमें क्या सिचुएशन बनता है कि अब धारा उस दिशा से बहने के बजाय इस दिशा में इसमें से धारा बहने लगती है, क्योंकि अब उस तरफ आ जाता है, तो यहाँ पर हमको निगेटिव करंट। वैसे दो फिगर बनाना चाहिए, लेकिन एक फिगर से ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसे समझ में आ जाता है इसे। तो एक बार BC तरफ से और एक बार AD के तरफ से धारा प्रवाहित होती है आर्मेचर के घूमने के कारण, मतलब एक बार ब्रूस B1 करंट रिसीव करता है, एक बार ब्रूस B2। अच्छा, ये जो ब्रश है या ब्रूस कहते हैं, ब्रश जो है ये कार्बन का बना होता है, कार्बन ब्रश बोलते हैं, और ये रिंग को केवल टच किए रहता है, ये इसके साथ में जुड़ा हुआ नहीं रहता, क्लियर। तो ये है AC डायनेमो, और आपको इसका कार्यविधि भी लिखना है AC डायनेमो का, तो इस वर्किंग के बेस पर आप इसको इसकी कार्यविधि लिख सकते हैं, क्लियर। अब सेकंड में पढ़ाता हूँ आपको, यहीं पर कंपेरेटिव आपको बताता हूँ, दूसरा DC डायनेमो। DC डायनेमो देखो क्या होता है, DC डायनेमो भी कार्य करने का सिद्धांत वही है, सब वही है, बस यहाँ पर फिगर आपको थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो फिगर को यहाँ पर मैं चेंज करके आपको बना रहा हूँ, देखो किस तरह से होता है। इसमें 90% पोर्शन सेम टू सेम है, यहाँ करंट रिसीविंग करने का जो तरीका है वही बदल जाता है। ये मैग्नेट के दो पोल हैं जैसे मैं भी आपको बताया, इसके बाद आप बीच में बना लो आर्मेचर, जैसे यहाँ पर हमने आर्मेचर बनाया था, ये दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है उसको आपको समझना है कि क्या डिफरेंस है दोनों में। देखिए यहां पर भी ये मैग्नेट का एक पोल नॉर्थ पोल, ये दूसरा पोल साउथ पोल, और यहां पर आप देख रहे हो जो आर्मेचर, तो ये जो आर्मेचर है अब यहां से ये तो वही है पुली जहां से हम इसको घुमाएंगे, क्लियर। और ये जो दो आप वायर नीचे निकले हुए देख रहे हो, यहाँ पर जो रिंग लगता है अब ये पूरा रिंग ना लग के हाफ रिंग लगता है, इस तरह से ये हाफ रिंग के साथ में अटैच होता है ऐसा, और ये जो हाफ रिंग है फिर कनेक्ट होता है दो ब्रूस से, एक ब्रूस ये, दूसरा ब्रूस ये, इस तरह से ये फिर कनेक्ट होता है आगे, ये रेजिस्टेंस है R, जहाँ से हम करंट आउटपुट लेते हैं। तो दोनों में आप डिफरेंस क्या दिख रहा है, उसमें दो रिंग था, इसमें एक ही रिंग, दो रिंग जो है दो भाग में कटा हुआ है। इसके कारण होता क्या है, देखो इस तरह से ऐसा करने से क्या होता है, ये रिंग S1 है, ये रिंग S2 है, ये ब्रूस B1 है, ये B2 है, A B C D। जैसे ही यहाँ पर क्या किया जाता है, आर्मेचर को घुमाया जाता है, तो आर्मेचर को घुमाने से इसमें जो करंट उत्पन्न होता है ये रिसीव करता है और हमको आउटपुट मिलता है ये। लेकिन दूसरे हाफ में, जब दूसरे हाफ में आर्मेचर का ये वाला पोर्शन उधर घूम के जाएगा, तो उस कंडीशन में भी हमको धारा इसी से ही प्रवाहित होती है, क्योंकि यहाँ पर दो रिंग होने के कारण ये अल्टरनेट बदलते जाते हैं, एक बार S1 में एक बार S2 में, इसीलिए इसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। देखो यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव करंट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हाफ रिंग होने के कारण रिंग तो बदल जाता है लेकिन धारा की दिशा वही रहती है, और हमको लगातार क्या होता है, पॉजिटिव करंट मिल जाए
इसलिए क्या बन जाता है ये डीसी और यहाँ पर क्या बन गया है ये एसी। तो ये एसी करंट का डायनेमो है, ये डीसी करंट डायनेमो है। तो ये जब एग्जाम में आता है तो आपको दो पॉइंट में लिखना है, एक तो इसका आपको पहले तो सिद्धांत लिखना है, तो सिद्धांत में लिखना है फैराडे के नियम पर, अर्थात यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरे पॉइंट में आप ये चित्र बनाओगे, चित्र बहुत अच्छे से आपको बनना चाहिए, और चित्र बनाने के बाद आपको इसकी कार्यविधि लिखनी है। तो कार्यविधि क्या है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग आप उसको लिख सकते हो, या थोड़ा आप अपने बुक से भी हेल्प ले सकते हो। ओके, तो हो गया एसी डायनेमो और डीसी डायनेमो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इसके आने का चांस बहुत ज़्यादा है। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम मोटर। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी अनएकेडमी लेके आया है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए एक कोर्स जिसमें आपके सभी विषय की पढ़ाई होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोर्स का जो फी है 2500 वो सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारा रेफरल कोड यूज़ करना होगा जो है जितेंद्र सर लाइव। ये कोड आप यूज़ करेंगे तो 2500 का कोर्स आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में मिलेगा। देखिए, इस कोर्स की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि आपको ये कोर्स 3 लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा, इंग्लिश में, हिंदी में और साथ ही मराठी लैंग्वेज में भी। महाराष्ट्र के टॉप एजुकेटर्स आपको टीच करेंगे और आपको बेस्ट टीचिंग फैकल्टी मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगा, रिवीजन बैचेस मिलेंगे, क्रैश कोर्स होगा और सबसे अच्छी बात आपके डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होगा और आपको प्रीवियस ईयर के महाराष्ट्र बोर्ड के क्वेश्चन पेपर भी तैयार कराए जाएंगे। अब आपको करना क्या है, आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और आप वहां पर अनअकैडमी के ऐप डाउनलोड करके इस लिंक के थ्रू आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो आपके लिए बहुत बेस्ट है। ओके, थैंक यू। मोटर, नेक्स्ट इज मोटर। मोटर को हिंदी में भी मोटर ही कहेंगे, ठीक है, मोटर ही कहते हैं, हिंदी में ही मोटर उसका नाम है, या कुछ नाम हिंदी में होता होगा तो ध्यान नहीं आ रहा है, वैसे तो एग्जाम में मोटर ही करके आता है हिंदी मीडियम में भी। मोटर का क्या काम है, देखो मोटर का जो परिभाषा है वो क्या है, यह उल्टा काम करता है। कैसे उल्टा काम करता है, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को हम क्या कहते हैं, मोटर। ये बात कभी नहीं भूलना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। मैं वहां पर बताया था यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को हम डायनेमो कहते हैं, माने वहां पर क्या है, हम कार्य देते हैं और हमको विद्युत मिलता है। यहां पर हम विद्युत देंगे और हमको कार्य मिलेगा, यांत्रिक ऊर्जा मिलेगा। आपको मालूम है मोटर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, पंखे को, कूलर को, किसी भी गाड़ी को, कोई भी हमारे पास रोटेट होने वाला घूमने वाला चीज है, सब का सब क्या है, वह मोटर है, क्योंकि हम उसको विद्युत देते हैं और वो हमको कार्य देता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलने वाले उपकरण को हम क्या कहते हैं, मोटर कहते हैं, क्लियर। और मोटर का जो सिद्धांत है, ठीक है, ये तो हो गई इसकी परिभाषा, इसको परिभाषा के रूप में लिखोगे आप, और सिद्धांत, इसका सिद्धांत, इसका थ्योरी क्या है, यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्यान रखना, नाम कम से कम आपको याद रखना है, आगे चल के 11th क्लास में डिटेल में पढ़ना है इसको, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बल आघूर्ण क्या होता है, जब किसी पिंड पर हम दो बल एक साथ लगाते हैं और दोनों की दिशा विपरीत हो तो वहां पर बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, और बल आघूर्ण क्या करता है, उसको वृत्ति गति प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम साइकिल का हैंडल पकड़ते हैं, दोनों हाथ से पकड़ते हैं, उसको गोल घुमाते हैं, कार की स्टेयरिंग भी ऐसा पकड़ते हैं, ठीक है, नल के कैप को अपने को खोलना होता है तो अंगूठे और उंगली को इस तरह से अपन अटैच करके निकालते हैं, या कार का को खोलना हो, मतलब जहां पर भी दो बल आप एक साथ लगाते हो और दो बल एक साथ लगाने पर वो घूमने लगता है, उसे हम बल आघूर्ण कहते हैं। और बल आघूर्ण ये सब डिटेल में आप पढ़ोगे, एक्चुअल में 10th क्लास में जब हम फिजिक्स को पढ़ाते हैं तो हमको बड़ी परेशानी होती है कि उसको बहुत डेप्थ में भी नहीं ले जा सकते और छोड़ भी नहीं सकते।
तो टेंथ क्लास का फिजिक्स में टीचर के लिए चैलेंजिंग होता है बहुत ज़्यादा। मैं डेप्थ में चला गया ट्वेल्थ लेवल में, तो आपके लिए भी इस क्लास में बर्डन हो जाएगा, और सुपरफिशियल बता दिया तो बातों को समझ में भी नहीं पाओगे। तो मान लो यहाँ पर मैं ना बताऊँ कि इसका सिद्धांत क्या है, तो एक दिक्कत है, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ देता है कई बच्चे जो है टेंथ क्लास में NTSC या कई तरह के एग्जाम में बैठते हैं, वहाँ पर पूछ दिया कि मोटर के घूमने का सिद्धांत है, तो चार ऑप्शन में एक ऑप्शन रहेगा बल अघूर्ण, यही उसका सिद्धांत होगा। जैसे मैंने बताया कि डायनेमो का सिद्धांत है तो फैराडे का नियम या विद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्लियर। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका चित्र बना के, हमको यहाँ पर सिर्फ ध्यान रखना इस स्टैंडर्ड में, इस क्लास में हमको ये भी दो प्रकार का होता है इसका प्रकार, तो प्रकार इसके भी दो है, AC और DC, दो प्रकार हैं इसके। AC करंट से चलने वाले मोटर को AC मोटर कहेंगे और DC करंट से चलने वाले मोटर को हम DC मोटर कहेंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में भी इस क्लास में सिर्फ क्या है, DC मोटर है। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं क्या DC मोटर, DC मोटर को। तो देखो चित्र जो बनाएंगे अभी हम उसके लिए, तो 90% जो चित्र है इसका वो बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे डायनेमो का बना था, ठीक है, तो वैसे ही काम करता है। देखो बस आपको चित्र बनाने का प्रैक्टिस हो गया अब उससे। चलिए इसको रेड कलर से ही बना देता हूं मैं। वैसे ही आर्मेचर होगा इसमें भी, अब यहाँ पर काम उल्टा होगा, यहाँ पर पुल्ली घूमेगा, पुल्ली को घुमाएंगे नहीं, पुल्ली मतलब क्या होता है घिरनी है ना, तो उसको हम यहाँ पर घुमाएंगे, वो घूमेगा नहीं अपने से, ये हमने पुल्ली लगा दिया बेल्ट मतलब। अब यहाँ पर ये हाफ रिंग, ये दो हाफ रिंग से जुड़ा रहेगा ये, ये नॉर्थ और साउथ पोल है मैग्नेट के, ये अवतल कटे होते हैं, ठीक है, ये बात मैं आप लोग को डिस्कस करना भूल गया। आप सोच रहे होंगे कि इसको अवतल ही क्यों काटा जाता है, तो अवतल काटने से क्या होता है, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो लंबवत होती हैं, जिसके कारण हमको बल आघूर्ण सर्वाधिक मिलता है, ठीक है। तो ये S1 S2 पुल हो गए रिंग। अब हम यहाँ पर इस तरह से वहाँ रजिस्टेंस लगाए थे, यहाँ पर लगाएंगे हम क्या बैटरी, क्लियर। यहाँ की भी लगाना था, चलो लगा देते हैं, की मतलब कुंजी ऑन ऑफ, ये बैटरी और ये हमारा रिंग है S1 और S2। अब ये काम कैसे करता है देखो, अभी तक हम वहाँ क्या कर रहे थे, इसको घुमा रहे थे तो विद्युत उत्पन्न हो रहा था, अब इसको घुमाएंगे नहीं, बैटरी लगा के करंट देंगे। जैसे ही हम इसमें करंट पास करेंगे इस तरह से, तो आर्मेचर में करंट फ्लो होने लगेगा, और आर्मेचर में जैसे ही करंट फ्लो होता है तो आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और एक चुंबकीय क्षेत्र ऑलरेडी इस मैग्नेट का है, और एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर देता है कौन, ये कुंडली। तो दोनों के बीच में दो बल लगने लगते हैं, इस सिरे पर और इस सिरे पर, जिसके कारण बल आघूर्ण का निर्माण होता है, और बल आघूर्ण के निर्माण होते ही क्या होता है, ये जो मोटर है वो घूमने लगता है। मतलब इसका मूल सिद्धांत है क्या, बल आघूर्ण, इंग्लिश में बोला जाता है इसको टार्क, यही है इसके घूमने का सिद्धांत। तो यहां पर आप देखो कि बैटरी से धारा प्रवाहित करने पर वो घूमने लगता है, मोटर ऐसे ही काम करता है, और यहां पर आप देखो कि विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा में होता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले हम उपकरण को क्या कहते हैं, मोटर कहते हैं, क्लियर। उपयोग अगर एग्जाम में आता है तो मोटर के तो हजारों उपयोग, इसकी सहायता से हम पंखे चलाते हैं, कूलर चलता है, बोर से पानी निकालते हैं, इरिगेशन के लिए पंप चलाते हैं, मोटर का तो, मोटर के बिना हमारे लाइफ में कुछ वर्क ही नहीं होगा जैसा कंडीशन है ना, तो मोटर के बहुत सारे उपयोग हैं। तो मोटर और डायनेमो को आप अच्छे से तैयार करोगे, यही क्या है आपका इस चैप्टर का मेन टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है। तो धारा का चुंबकीय प्रभाव, देखो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो यहाँ पर धारा और चुंबक के प्रभाव के कारण ही मोटर भी बना, और उसी के प्रभाव के कारण डायनेमो भी बना, क्लियर।
इसके न्यूमेरिकल्स आपको मैं अलग से वीडियो में कराऊंगा। तो यहाँ तक आप इसको तैयार करिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम में आपको आना ही है। फिगर बनाने का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके ओके, थैंक यू।